वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी को पता ही है कि कोरोना वायरस जो कि हिंदुस्तान में भी अपनी दस्तक दे चुका है, जो कि एक छुआछूती बीमारी है, जिसको लेके केंद्र और राज्य सरकार काफ़ी चिंतित हैं और आप जी ने बेनती कर दी है कि इस वायरस की रोकथाम लिए कृपया अपना सहयोग प्रदान करो जी। अपने घर में रहो, बाहर ना निकलो जी, किसी बाहरी व्यक्ति ना मिलो जी, अपने हाथों साबुन नाल बार बार धो जी, बहुत जरूरी होवे ताई करो बाहर निकलो जी, जिस नाल इस बीमारी तो दूर रख सकी। कृपया हाथ जोड़ बेनती है कि शासन के नियमों का पालन करो और सुशासन लिए शासन की मदद करो। वाहेगुरु जी का यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरुजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं तो लोकः तदनुवर्तते, संसार उसी का ही अनुकरण करता है। माता पिता का आचरण देख करके बच्चों में आचरण आता है, माता पिता के स्वभाव से बच्चों का स्वभाव बदलता है और निर्मित होता है। ये बीमारी, ये वबा जो है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से हमारी हिफाजत करेंगे और इस बीमारी को जो है नेस्त नाबूद कर देंगे। और मेरी माँ बहनों और बच्चों, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि बच्चे जो है अपने घरों में रहें, बुज़ुर्ग अपने घरों में रहें, ख़ास तौर से बच्चे जो है बच्चों का ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इस आपदा में बार बार हाथ धोना, संयमित होना, इसलिए बाल बच्चों को आप अपने स्वयं करवाएं और स्वयं करें तो ही यह इस आपदा से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलता आती है और जो कानून नियम बताए जा रहे हैं, आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ये आपकी सुरक्षा कवच माना जाएगा। इसलिए हम भीड़ के इलाकों से बचे, हाथ धोने और शुद्धि का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, गंदगी से बचे, ये आध्यात्मिक चिंतन करते हुए सब के प्रति सद्भावनाएं, सब का मंगल हो, सबको शांति मिले, किसी प्रशस्त भावना की। हमारे भारत देश की धरती ऋषि प्रधान रही है और त्याग की धरती रही है। यहाँ बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब लोग हिम्मती होते हैं। कोरोना एक रोग जो महामारी के रूप में भारत देश के अंदर भी आ गया है, कोई बात नहीं, संकट आते हैं चले जाते हैं। भारत ने तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम सब लोग मिलकर के भगवान का नाम लेकर के महामृत्युंजय स्तोत्र, शांति भक्ति, इन सब चीज़ों को पढ़ करके और रोग को आने ही नहीं देना है तो डरना किससे। तो ज्ञानमती माता का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन का कल्याण करें, निरोगी बने और कोरोना से लड़ने की हिम्मत रखें और दूसरों को हिम्मत बंधाएं, यही आप लोगों के लिए प्रेरणा है। बालक हो चाहे वृद्ध, हमेशा ध्यान रखो, कभी डरना नहीं चाहिए। अपनी इस भारतीय संस्कृति है, अपना प्राकृतिक नियम है, उसके अनुसार अपनी दैनिकचर्या बनाओ, शाकाहारी जीवन और ओम नमः मंत्र का जाप। ओम नमः मंत्र विश्वव्यापी मंत्र है, परमात्मा का वाचक मंत्र है, इस मंत्र को जपते रहो और बिल्कुल डरो मत बच्चे, कोई डरना नहीं। शरीर और आत्मा दो चीज़ें हैं, तो शरीर को रोग आता है, आत्मा को नहीं आता है। आत्मा भगवान आत्मा के समान भगवान आत्मा है, और शरीर को रोग रोग आता है तो जब भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो रोग भी नहीं आएगा। अच्छे नागरिक बनो, यही प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, सबको खूब मंगल आशीर्वाद है। तो अगर हमारा बच्चा स्वस्थ है तो हम लोग भी स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ है तो हमारा परिवार भी स्वस्थ है, और हमारा परिवार स्वस्थ है तो हमारा समाज भी स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ है। उनको 10 मिनट के लिए बिठाए, पालती मार कर बिठाए, आँखें बंद करने के लिए बोले और हमारे सांसों सांस के ऊपर
ध्यान देने के लिए बोले, जिससे उसका मनोबल बढ़ेगा, जिससे उसके अंदर एक खुशी और स्थिरता आएगी, संयम आएगा है। और इसके लिए हम सब लोग मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे। कोरोना वायरस के साथ साथ हम सावधानियां भी बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमको इंसान इंसान के बच्चों को बचाना है और इंसानियत के बच्चों को बचाना है। जब इंसान बचेगा, इंसानों के बच्चे बचेंगे, तो हम मुल्कों के अंदर हुकूमत भी कर सकते हैं और मुल्कों को संवार भी सकते हैं और उसको उसके फ्यूचर को बना भी सकते हैं। इस वक्त यूनिसेफ ने जो अपील की, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हुए अपने बच्चों से अपील करते हैं कि अपने आप अपने घर में रहें, अपने अपने अपनी सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें, अपने लिबास की, अपने जिस्म की और अपने कापी किताबों का भरपूर साफ और सुथराई का ख्याल रखें। मैं जय किशन लाल चंदानी, ईदगाह सिंधी पंचायत का अध्यक्ष, यूनिसेफ की गई अपील का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ कि घरों से बाहर न निकलें, हाथ धोते रहें, बच्चों का और वृद्धों का विशेष ख्याल करें। और जो सरकारी ड्यूटी में डॉक्टर्स नर्सेस, उनकी इज्जत करें। उसके अलावा जो प्रशासन में हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उन सब का कहना माने, विशेषकर पुलिस का जो बाहर निकलने से रोक रही है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, कोई बुरा बर्ताव न करें। जय हिंद। वर्तमान समय समग्र विश्व आपदाकालीन संकट की स्थिति से गुजर रहा है। सभी को अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत बहुत आवश्यक है कि भगवान रक्षा उसकी करते जो रक्षा खुद की करते हैं। इंसान तो क्या, भगवान भी आपसे आवाहन कर रहे हैं कि वर्तमान समय ये महापरिवर्तन की बेला है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने परिवर्तन को सुंदर तरीके से निभाएं और जीवन को सुरक्षित जीवन जीने की कसम उठाएं। ओम शांति, ओम शांति।